नमस्कार, मैं पहुंच चुका हूं दरभंगा जिला के शोभन गांव में। आपको बता दें, शोभन गांव जाने का ये मुख्य रास्ता है। आपको पता होगा कि शोभन आने का क्या मकसद है। आपको बता दें कि लगातार दरभंगा में लोगों को मतलब चिंता थी कि क्या कोरोना पॉजिटिव यहां भी आएगा, लेकिन हाँ, जब एक कोरोना पॉजिटिव की जानकारी लोगों को मिली, लोग दहशत में आ गए। खासकर आपको बता दें, लगातार जो प्रशासन की टीम है, जो पुलिस प्रशासन की टीम है, लगातार अपने कामों में लगी हुई है। खासकर हम आपको बता दें कि जब एक कोरोना पॉजिटिव की मिलने की जानकारी आई, उसके बाद ये चेकिंग किया गया कि वो व्यक्ति किस किस लोगों से जाकर मिला था। लेकिन जब जानकारी आई तो वो 13 लोगों को संक्रमित किया था, 13 लोगों से वो सिर्फ मिला था। उन 13 लोगों का जब रिपोर्ट आया है, कलेक्टर साहब के द्वारा बताया गया है कि सिर्फ 4 लोगों को वो संक्रमित किया था। 4 लोग ऐसे थे जो पॉजिटिव आए हैं, लेकिन ये भी बताया गया है कलेक्टर साहब के द्वारा कि 4 लोगों में जो 4 लोग हैं वो स्वस्थ हैं, वो ठीक हैं, लेकिन उनके अंदर कोई लक्षण भी नहीं है, लेकिन पॉजिटिव केस आया है। यहाँ पर जो अधिकारी मौजूद हैं उनसे जानकारी लेंगे कि क्या यहाँ पर क्या हालात हैं। इस गांव के जो लोग हैं कितना कोऑपरेट कर रहे हैं, इन सभी अधिकारियों को जो यहाँ पर सील कर दिया गया गाँव, उसके बाद इन्हें कितना कोऑपरेट वो लोग कर रहे हैं। जी सर, स्वागत है, क्या कहना चाहते हैं यहाँ इस गाँव के बारे में, जो सील किया गया उसके लिए? कल थोड़ा प्रॉब्लम था, एक दो आदमी बात नहीं मान रहे थे, लेकिन आज कोई दिक्कत नहीं है। आज एक भी आदमी खुद से ही नहीं आए यहाँ पे, और न कोई बाहर अंदर जा रहे हैं, न कोई अंदर से बाहर जा रहा है। आज पूरा शांति है, और जहाँ चारों को यहाँ बनाया गया है गेट, इस गांव का 4 को निकास द्वार है, चारों पे पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती है, और सब कुछ क्या मतलब आज भी किसी यहां से आदमी जो पहले जो जाँच गया हुआ था उसमें से उसके संपर्क में जो एक आदमी आए थे उसका जांच करने के लिए आज गया है DMC। टोटल यहां से मतलब कितने लोगों को अब तक किया गया? जैसा हमको सूचना है कि 5 आदमी पॉजिटिव निकले हैं अभी तक। और कितने लोगों को लेके? एक आदमी को लेके हैं आज यहां से। एक आदमी को ले आए। किस तरह से निर्देश आप लोगों को दिया गया जिला प्रशासन के द्वारा कि यहां पर? कोई खास ब्रीफिंग तो नहीं है, लेकिन जैसा हम लोग न्यूज में सुनते हैं और जैसा चिट्ठी वगैरह में देखते हैं, उस हिसाब से हम लोगों को है कि किसी को अंदर नहीं जाने देना है, अंदर हम लोगों को भी नहीं जाना है। फेस मास्क वगैरह, सैनिटाइजर, बार बार हाथ धो करके रहना है, ये सब है। कुछ देखा गया कि खेत से भी महिलाएं निकल रही हैं, पुरुष जो बच्चे लोग हैं, तो क्या पगडंडियाँ है? तो लोग मवेशी वगैरह का चारा उड़ा लाने के लिए, किसी का भूसा वूसा है बाहर में, तो उसको अपना खेती बाड़ी काम से अंदर अंदर लोग जा रहे हैं, लेकिन बाहर नहीं जा रहा है। ऐसे होता है कि यहाँ से कोई दूर शहर में कोई जा रहा है, फिर शहर से कोई आ रहा है, ऐसा नहीं है। नज़दीक में जो खेत पथार है उसका, तो वहाँ लोग जा रहे हैं, अपना मवेशी वैसा के लिए है, उस सब के लिए है। यहाँ पे शक्ति बढ़ती जा रही है, शक्ति, पूरी शक्ति। क्या नाम है सर? दिनेश कुमार मेरा नाम हुआ। क्या है? मजिस्ट्रेट है यहाँ पे। चलिए, तो इस तरह से दिनेश जो मजिस्ट्रेट है यहाँ पर, वो बता रहे हैं कि जो लोग हैं जो चारा लेने के लिए जा रहे हैं, मतलब उनके लिए भी यहाँ छूट नहीं है, सभी लोगों को सख्ती से यहाँ पर निपटा जा रहा है। आपको बता दें कि लगातार भारत उदय समाचार उन ग्राउंड रिपोर्ट पर जा रहा है, ग्राउंड रिपोर्टिंग करने, जहाँ पर जो लोग यहाँ पर संक्रमित थे। खासकर आपको बता दें, DMCH की बात करें, जहाँ आइसोलेशन वार्ड था, वहाँ भी जाकर हमने दिखाया है कि क्या हाल है वहाँ का। देखते रहिए भारत उदय समाचार, लगातार आपको दिखाया।